अस्सलाम वालेकुम तुलबा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिम्पल का चैप्टर है। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इसको हमने म्यारी सूरत में लिखना है। म्यारी सूरत क्या होती है? वो दो दर्जी मुसावात है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसको कहते हैं म्यारी सूरत। तो इस इक्वेशन को हमने इस शक्ल में लाना है ताकि हमें एक म्यारी सूरत ए एक्स की दो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के बराबर आ जाए। तो हम इसको हल करते हैं। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हल करने के लिए हम ये दोनों डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालेंगे। तो ये एक्स प्लस वन और ये एक्स है, तो हमारे पास एलसीएम आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब इस टर्म को हमने, इस रकम को हमने इस पर डिवाइड किया, तो एक्स प्लस वन से ये ख़त्म हो गया और एक्स एक्स को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस। अब इस एलसीएम को एक्स पर डिवाइड किया तो एक्स प्लस वन बच गया, तो इसको हमने एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस एक्स प्लस वन को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस वन का ये स्क्वायर बन गया, क्योंकि इधर भी एक है और इसका भी एक, तो ये इस तरह ये स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू सिक्स। अब ये हमारे पास एक रकम है और एक ये मुसावात का हिस्सा और ये मुसावात के दूसरी तरफ का हिस्सा। ये भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। ज़रब चले पाई के तहत हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, ये जब एक को इससे मल्टीप्लाई की तो यही हमारे पास आ गया एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर हमने ओपन कर दिया इधर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस वन। तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये छ एक्स इंटू एक्स प्लस वन आ गया हमारे पास। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये कोएफिशिएंट वन है, इधर भी वन है, तो ये हमारे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये छ एक्स स्क्वायर बन गया प्लस छ एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो छ एक्स आ गया। अब ये टू एक्स स्क्वायर प्लस ये टू एक्स प्लस वन, ये छ एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है तो इधर आकर ये माइनस छ एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस छ एक्स है,
ये इस तरफ आकर माइनस है, 6x इक्वल टू इधर जीरो रह गया। ये इस हिस्सा में जो हम किस्म रकम हैं, सेम टर्म्स हैं, उनका अमल होगा। ये 2x स्क्वायर और ये माइनस 6x स्क्वायर है, तो जब इनका अमल हुआ तो माइनस 4x स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये माइनस 6 है और ये प्लस 2 है तो माइनस 6। अच्छा, ये प्लस 2x है और ये माइनस 6x है, तो ये माइनस 4x है, ये हमारे पास आ गया। अब ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कोएफिशिएंट में ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0, तो ये कोएफिशिएंट के साथ माइनस की अलामत है, तो इसको हमने ख़त्म करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस जुमला को भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे मुसावात के दोनों तरफ, यानी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे जुमला को, माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू, इधर भी माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस 4x। ये बार माइनस की अलामत को जब माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 1 बन गया, 0 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। लिहाजा ये हमारी मतलूबा म्यारी सूरत है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की तरह, ये हमारी म्यारी सूरत है, स्टैंडर्ड फॉर्म है।